तमिलनाडु तिरुपुर 24 घंटे काम का बोझ, फुर्सत के पल बिताना दुर्लभ है। तिरुपुर में मनोरंजन केंद्र तिरुपुर कॉरपोरेशन सिल्वर फेस्टिवल पार्क और थिएटर ही है, इसलिए दिसंबर, जनवरी और अप्रैल और मई के स्कूल की छुट्टियों के महीनों के आसपास निजी प्रदर्शनियां आयोजित करने की प्रथा है। इसी तरह तिरुपुर के कांगेयम रोड पर पद्मिनी गार्डन में एक निजी प्रदर्शनी लगाई गई है। ये बहुत ही सनकरी जगह में है। अधिक लाभ कमाने के लिए मनोरंजन उपकरण बिना किसी रुकावट के एक के बाद एक रखे जाते हैं। भोजन, नाश्ते की दुकानें, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दुकानें इसके करीब हैं, और जीर्ण शीर्ण लोहे के खंभों के साथ एक विशाल श्रृंखला धनुष रतन खड़ा किया गया है। चेन पर रतन के लगातार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इस प्रकार के रतन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और विभिन्न मनोरंजन सुविधाएं बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उपलब्ध हैं। इस निजी प्रदर्शनी स्थल में किसी दुर्घटना या आग लगने की स्थिति में कोई आपातकालीन निकास नहीं है। चेन में रतन की लगातार दुर्घटना के कारण इस प्रकार के रतन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने दोपहिया और चार पहिया वाहनों के स्टैंड खड़े किए जाते हैं, साथ ही पास में ही एक निजी कार शोरूम की 100 से अधिक कारें खड़ी हैं। ऐसे खतरे के समय में जनता के पास तुरंत निकलने का कोई मौका नहीं है। हजारों श्रमिक हर दिन अपने परिवार के साथ आते जाते हैं, अपने बच्चों को छुट्टियों पर अपने परिवार के साथ कहीं दिखाने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रवेश शुल्क से लेकर हर चीज महंगी होने के कारण आने जाने वाले लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। प्रवेश शुल्क 70 रुपये से शुरू होता है और पार्किंग शुल्क 20 से 50 रुपये है। नाश्ता और खाद्य उत्पाद अस्वास्थ्य कर उत्पादित किए जाते हैं और 3 गुना कीमत पर बेचे जाते हैं। हालांकि चेन बो रतन, चाजा रतन, टोरोटोरा रतन, वाटर टैंक बैग, ट्रेन एयर बैलून जैसे कई मनोरंजन उपकरण हैं। खेल उपकरण के लिए अनुमति देना लोक निर्माण विभाग का काम है, अग्निशमन विभाग का काम है ये सुनिश्चित करना कि वहां आपातकालीन निकास और आग से बचाव के उपकरण हैं और यह निरीक्षण करना कि जगह सुरक्षित है या नहीं। साथ ही वहां प्रतिदिन एक फायर गाड़ी तैनात रहनी चाहिए। सरकार को भुगतान, गेट शुल्क निर्धारण और जांच ये सब जनसंपर्क विभाग के अधिकारी का काम है और स्थानीय पुलिस को सुरक्षा सीसीटीवी कैमरा लगाने और निरीक्षण करने की अनुमति देनी चाहिए और सुरक्षा के लिए गार्ड भेजना चाहिए। विद्युत विभाग के अधिकारी विद्युत लाइन व्यवस्था का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कोई विद्युत दुर्घटना न हो। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है उससे साफ है कि किसी भी विभाग के अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनी का दौरा नहीं किया है। सभी विभागों के अधिकारियों ने एसी रूम से लाखों की रिश्वत ली और हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमानी की रिपोर्ट।